अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी कानून को ब्रेक नहीं किया है और फिर भी अगर पुलिस इस तरह की आपके साथ मारपीट करती है, वर्दी का रौब दिखाती है, ठीक है, डंडा मारती है और आपके चोट अगर आती है, तो अगर ऐसे मामले में आप थाने में जाएंगे तब भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, जैसा कि आप लोग समझेंगे। सीओ के पास जाएंगे तब भी वही चीज़ रहेगी, एसएसपी के पास जाएंगे, डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे, तो क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट का मैटर रहता है तो लोग समझते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की जांच क्यों करेंगे, उसके खिलाफ क्यों रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और ये रहता है ज़्यादातर कि आप जाएंगे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। तो बात आती है कि फिर आप कैसे जो है जो भी एक्यूज्ड जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि अगर आपके चोट वगैरह है, फिर किस तरह की कोई भी चोट है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि एक वकील के माध्यम से, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए, एक आपको कंप्लेंट लिखनी है, सारा मैटर लिखना है किस तरह से क्या हुआ था, और उसको आपको रजिस्टर कर देना है, रजिस्ट्री कर देनी है उसकी एसएसपी को, या एसपी हो या फिर एसएसपी हो, और उस रजिस्ट्री की जो रसीद होती है, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस से जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्री रसीद मिलती है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजा उसकी आप एक कॉपी अपने पास रखिए, उसी कॉपी के आधार पर आप अपना मेडिकल परीक्षण कराइए। ठीक है, आपको अपने वकील से बोलना है, वकील आपको बताएगा कि आपको कैसे कहां पर मेडिकल परीक्षण कराना है, तो आप अपना मेडिकल परीक्षण सरकारी अस्पताल में करा लीजिए। अब यहां पे आप क्या गया, आपके पास कंप्लेंट है एसएसपी को जो आपने कंप्लेंट की है, और दूसरा जो भी आपकी चोट वगैरह आई है उसका मेडिकल परीक्षण है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी चोट कितनी गंभीर है, अगर खून भी निकल आया है, निशान भी हैं, तो भी आपका मेडिकल परीक्षण हो जाएगा। अब मेडिकल परीक्षण हो गया, अब क्या कर सकते हैं आप, उसी वकील के थ्रू, किसी भी वकील के थ्रू कोर्ट से अब कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए। ठीक है, जिसको हम प्राइवेट केस भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको एविडेंस देना है कोर्ट को, विटनेस देने हैं जो ये बात कह सके कि हाँ हमने इसके साथ फलाने फलाने पुलिस वाले ने इसके साथ मारपीट की थी। ठीक है, ये बात अगर साबित हो जाती है, आप ऐसा एविडेंस कोर्ट में दे पाते हैं, मेडिकल परीक्षण पहले से लगा हुआ है उसमें, ठीक है, तो जो आरोपी पुलिस वाला है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी, और जो भी धाराएं हैं जिस तरह की भी उसने मारपीट की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई केस हुआ, ठीक है, उसमें आपको मुलजिम बनाया, या फिर कोई अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन पुलिस आपको तंग कर रही है, आपके साथ मारपीट कर रही है, तो अगर पुलिस सिर्फ मारपीट कर रही है, कोर्ट लेके नहीं जा रही है, या फिर थाने तक लेके आती है लेकिन कोर्ट तक नहीं लेके आती है, और आपको छोड़ दिया जाता है, आपके चोटें आई हैं, तो आप वही तरीका अपना सकते हैं कि आप एक वकील के थ्रू एसएसपी को रजिस्ट्री के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं, अपना मेडिकल परीक्षण करा करके कोर्ट से कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। ये तरीका है। अगर मान लीजिए कि नामजद एफआईआर है या फिर अज्ञात में एफआईआर है लेकिन फिर भी पुलिस आपको परेशान कर रही है या फिर आपको गिरफ्तार कर लेती है, अगर पुलिस कस्टडी में कस्टडी के दौरान मारपीट की जाती है और चोटें आती हैं, तो उस मामले में आपको मजिस्ट्रेट के सामने बोलना है कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में मेरे साथ मारपीट की गई है। तो मजिस्ट्रेट मजरूफ चिट्ठी एक हॉस्पिटल के लिए लिख देगा और आपकी जो भी चोटें आई हैं उसका डॉक्टरी मुआयना होगा। अब यहाँ पर आपके अगर चोटें आई हैं, चोट वगैरह कुछ भी हैं, तो उनकी जवाबदेही पुलिस वालों की रहती है। ठीक है, और इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, अगर चोट गंभीर है या फिर चोटें हैं तो उनकी जवाबदेही होती है, और ऐसे मामले में जो एक्यूज्ड पुलिस वाले हैं उनकी वर्दी भी उतरती है, उनको पनिशमेंट भी मिलती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मारपीट कर दिया तो उनकी जवाबदेही से वो बच जाएंगे, वकायदा उन पर केस चलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं खुद भी बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, और मैं कुछ पर्सनल काम में भी बिज़ी था, लेकिन अब आगे मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन, दो चार दिन के बाद फिर मेरी वीडियो कंटिन्यू मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरह से कार्रवाई करनी है। देखिए, जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप डरते रहेंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। जब आप जाग जाएंगे तभी सवेरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पुलिस के खिलाफ सेल्फ डिफेंस ले लीजिए, लेकिन जो हुआ है रियल में, कम से कम उसके अंगेंस्ट जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके अंगेंस्ट हुई है, पुलिस वाले ने की है, किसी अधिकारी ने की है, तो उसके अंगेंस्ट आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। पहला तरीका तो यही है, आपके साथ मारपीट करती है तो आप कहीं जाएँ ना, जाएँ तो देख लें कोशिश, डिपार्टमेंट का मैटर है। मे बी ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो है
शिकायत दर्ज नहीं होती है और उल्टा आपको फटकार के भगा दिया जाता है, तो उस मामले में जो है आप एक वकील के माध्यम से एसएसपी को जो एसएसपी को कंप्लेंट करा करके अपना मेडिकल करा लें, एक तो ये तरीका है और कंप्लेंट केस डाल दें। दूसरा तरीका यही है कि आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने बताएं कि आपके चोटें आई हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।